लोग बोलते हैं कि सिर्फ वेज खाना चाहिए, तो वेज खाओगे तो उम्र ज्यादा बढ़ेगी। और हेलो आदाब एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो जी, आज के टाइटल और थंबनेल से आपको पता चला ही होगा कि आज का वीडियो किसके रिलेटेड है। तो इस वीडियो के रिलेटेड जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है, वो इस बारे में क्या बोल रहे हैं, तो चलिए आज के इस वीडियो को प्ले करेंगे। सब लोग बोलते हैं कि सिर्फ वेज खाना चाहिए और नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, तो वेज खाओगे तो उम्र ज्यादा बढ़ेगी और नॉन वेज खाओगे तो ये होगा वो होगा। तो आई मीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेज एंड नॉन वेज? अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो दिस। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब ने पूछा है पहले कि कौन सा मजहब है जो मासूम जानवरों का कत्ल करने की इजाज़त देता है। फिर उसने कहा कि इस्लाम में आप जानवर का कत्ल करते हैं, आप नॉन वेज खाते हैं, हिंदू धर्म में इसकी ममानियत है। आपका सवाल है कौन सा मज़हब। पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूँगा, बाद में इंशाअल्लाह दिगर मज़हब का भी जिक्र करूँगा। जहाँ तक के इस्लाम का सवाल है, एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बनके भी। इस्लाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फ़र्ज़ नहीं है। और आप जानते हैं कि यह हमारा दूसरा कॉन्फ्रेंस है इस बड़े मैदान में, सुमैया ग्राउंड में। लास्ट ईयर ये सुमैया ट्रस्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। एक हफ्ता पहले कॉन्फ्रेंस के पहले कहा कि हम नॉनवेज में नहीं मानते, आप नॉनवेज इस मैदान पे सर्व नहीं कर सकते। हमने कहा कि हम 9 महीने पहले बुक कर चुके हैं, एक हफ्ते पहले आप बोलते, ऑलरेडी स्टॉल दे चुके, ये नामुमकिन है। तो उनने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात रखी और लास्ट ईयर हमें नॉनवेज खाने की इजाज़त दी। इस साल जब हमने बुकिंग की, पहले शर्त लगाई कि इस मैदान में नॉनवेज सर्व नहीं होगा। हमने कहा ये आपका ख्याल है, हम आपके ख्याल की इज्जत करते हैं, क्योंकि इस्लाम में नॉनवेज खाना फ़र्ज़ नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे फूड कोर्ट में भी नॉनवेज सर्व नहीं कर रहे। हमारे जो मुकर्ररीन हैं, इस्लाम के विद्वान हैं, उनको भी हमने कहा, हमने माजरत चाही कि इस ग्राउंड पे हम आपको नॉनवेज नहीं सर्व करेंगे, क्योंकि ये मुसलमान की ज़बान है, हम जब ज़बान देते हैं उसका पालन करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आपका सवाल, जैसे मैंने कहा कि मुसलमान को नॉनवेज खाना फ़र्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुबहाना व ताला ने हमें इजाज़त दी है, कुरान मजीद में लिखा है सूरह मायदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है, 4 पांव के जो आपके लिए हलाल है, उसको आप खा सकते हैं। लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं। ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी। कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं। जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुबहाना व ताला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं? आज की साइंस ये कहती है कि वेजिटेबल्स में टोटल प्रोटीन नहीं है। हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड्स नहीं बनते। 8 अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड, बाहर के खाने में आना ज़रूरी है। कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद है। लेकिन नॉनवेज फूड में अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कई नॉनवेज फूड में सारे अमाइनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है, इसे कहते एसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है, इसे कहते हैं टोटल प्रोटीन। आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज़ न्यूट्रिशियस, इट इज़ फुल ऑफ प्रोटीन। और हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बीवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत है, ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर, शेर बब्बर, चीता,
हम देखते इनके दांत को, जब देखते इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ, ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बीवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर खुदा, अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं, तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्ट सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्ट सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्ट सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है, ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ भाजी पाला खाए, तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्ट सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मज़हब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मज़हब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है, भाई साहब आपको आपके धर्म का इल्म कम है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ़ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। तो जी ये था आज का वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।